आज मैंने परवल, आलू और सोयाबीन की मिक्स सब्जी बनाई थी, जिसमें मुझे मसाले के लिए मैंने यूज़ किया था लहसुन, अदरक और प्याज जो कटे हुए थे, और उसे मैंने मिक्सी में डाल दिया। फिर उसमें थोड़ा सा साबुत जीरा भी डाला और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला। फिर मैंने उसे मिक्सी में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना दिया। फिर मैंने पहले से जो सब्जियों को कढ़ाई में तेल डाल के भूनने के लिए फिर डाली, कढ़ाई में सरसों का तेल दिया। थोड़ा गर्म होने के बाद फिर मैंने उसमें पहले परवल को डाला भूनने के लिए। परवल को थोड़ा भूनने में टाइम लगता है, तो इसीलिए पहले परवल थोड़े ज़्यादा तेल में भी वो अच्छे से भून जाएगा। तो पहले मैंने परवल को अच्छे से सरसों के तेल में थोड़ा हाई फ्लेम में भून लिया। फिर मैंने दो आलू को भी उसी में भून लिया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आलू नहीं खाते हैं। फिर तेल में मैंने जो पहले से धुले हुए सोयाबीन की बड़ियां थी उसको भी थोड़ा मैंने फ्राई कर लिया उसमें। तो थोड़े से अच्छे से फ्राई हो जाने से टेस्ट अच्छा लगता है। और फिर बचे हुए जो तेल बच गए थे निकालने के बाद, उसमें थोड़ी सी जीरा और फिर मैंने टमाटर कटी हुई डाल दी, जिसमें थोड़े से नमक और हल्दी डाली ताकि टमाटो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और फिर थोड़ी सी भुनने के बाद फिर मैंने जो पीसे हुए मसाले थे उसको भी डाल दिया, और ग्राइंडर जार को धो के थोड़ा सा पानी भी उसमें डाल दिया। फिर मैंने पहले से तो नमक हल्दी डाल दी थी, तो उसको थोड़ा ढक लिया ताकि वो मसाला अच्छे से भुन जाए, और बीच बीच में मैं चलाती भी रही। तो फाइनली उसका तेल निकलने लग गया, तो मसाला भुन गया है। तो पहले से जो भुने हुए वेजिटेबल्स थे उसको मैंने डाला और सीम कर लिया गैस की आग को, और फिर मैंने उसको भी थोड़ा थोड़ा ढक ढक के पहले ढक लिया थोड़े से थोड़ी देर के लिए, तो उसमें भी थोड़े पानी निकलते हैं और मसाले में वो अच्छे से भुन जाते हैं। ऐसे 5 मिनट के बाद फिर वो अच्छे से मिक्स हो गए थे मसाले, तो फिर मैंने उसमें पानी थोड़ा सा डाल दिया। थोड़े पानी उसको डाल के मैंने उसको सिम करके ही 10 मिनट के लिए कढ़ाई पे छोड़ दिया गैस के ऊपर, ताकि वो अच्छे से मसाले के साथ मिल जाए। तो उसके बाद 10 मिनट हो गए हैं मेरा ऐसे बीच बीच में चलाते हुए। अभी पूरा फाइनल जो है वो आ गया, मैंने उसको उसके निकाल दिया उसको कटोरी में। और आज मैंने इसके साथ टमाटर और खजूर की मीठी चटनी बनाई थी, और दाल फ्राई भी बनाई थी, और बाकी जो खाना मैंने तो वही सर्व किया। आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।